हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा रेसिपी शेयर करने वाला हूं, जो चिकन बनाने का रेसिपी है। जब चिकन खाने का मन करता है मैं ऐसे ही बनाता हूं, और ये खाने में बहुत लजीज होता है। मतलब इतना बढ़िया लगता है ना, क्या बताऊं आपसे। तो ये चिकन रेसिपी जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप भी बना के टेस्ट करके देख सकते हो। बहुत बढ़िया लगता है, मतलब क्या बताऊँ, खाने के बाद आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहले एक पत्र में मस्टर्ड ऑयल गरम कीजिए। गरम करने के बाद खड़े मसाला हुआ अदरक डालिए और इसे भुनना चालू कीजिए। भुनने के बाद प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और टमाटर भी ऐड कर सकते हो। और टमाटर ऐड करने के बाद आप नमक वो भी ऐड कर 5 मिनट तक इसे भून लेना। जब ये पूरा बन जाए, भूनने के बाद मैरिनेटेड चिकन आप ऐड कर दीजिए। पहले चिकन को मैरिनेट करना चाहिए। मैरिनेशन में आप लोग लेमन ऐड कर सकते हो इसमें, और थोड़ा सा हल्दी का मसाला। इसे ढक के छोड़ दीजिए 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जब टमाटर पक जाएगा, पकने के बाद आप मैरिनेट किया हुआ ये चिकन ऐड कर दीजिए। चिकन ऐड करने के बाद आप लोग जो जो मसाला देना चाहते हो वो भी ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद इसको ऐसे चला के ढक के रख देना, आधे घंटे के लिए छोड़ देना। बीच बीच में ऐसे चलाता रहना, अदरवाइज ये नीचे जल जाएगा। तो बीच बीच में आप चलाते रहना ताकि नीचे से जले ना। इसे आप लोग आधे घंटे के लिए ढक के छोड़ देना, बीच बीच में चलाता रहना, और आधे घंटे के बाद चिकन में जो पानी है वो निकल के आएगा। ना भी पानी है, सब निकलने के बाद आपका चिकन पक जाएगा। तो फाइनली ये चिकन बनके रेडी। आप भी ट्राई करिए सेम रेसिपी, और हमें कमेंट में बताइए कैसा बना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।